नमस्कार, न्यूज 44 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। इन दिनों फिजियोथेरेपी काफी ज्यादा चर्चा में है। फिजियोथेरेपी को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी सियासत बनी हुई है और रोज इसका जिक्र हो रहा है। तो ऐसे में क्या आप जानते हैं कि असल में फिजियोथेरेपी क्या है? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि ये क्या है, कब करानी चाहिए और इसके लाभ क्या है। दर्द से छुटकारा पाने के लिए दवा लेना ही काफी नहीं होता, इसके अलावा भी कई थेरेपियां हैं जो बिना दवा के भी आपको दर्द से मुक्ति दिला सकती है। फिजियोथेरेपी भी ऐसी ही एक थेरेपी है। फिजियोथेरेपी को फिजिक्स ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये मेडिकल साइंस की ही एक शाखा है। इसमें उपचार की एक अलग पद्धति होती है। इसमें एक्सरसाइज, हाथों की कसरत, पेन रिलीफ और मूवमेंट के द्वारा दर्द को दूर किया जाता है। इस थेरेपी का उद्देश्य रोग के कारण को जानकर उस रोग से रोगी को मुक्त करना होता है। देखा जाए तो ये थेरेपी शरीर में होने वाली अकड़न को कम करने का काम करती है। अगर किसी के शरीर में काफी समय से किसी जगह पर दर्द बना हुआ है तो डॉक्टर द्वारा इस थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है। ये मांसपेशियों में होने वाले दर्द और शरीर के ऐंठन के लिए काफी सस्ती और लाभकारी ट्रीटमेंट में से एक है और शरीर पर इसके दुष्प्रभाव भी ना के बराबर ही देखे जाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी कब और किसे करानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि फिजियोथेरेपी कब करानी चाहिए। दरअसल अगर आपके शरीर के किसी हिस्से में काफी समय से दर्द हो रहा है या कोई पुरानी चोट हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, जोड़ों में दर्द या फिर अकड़न हो, तो इन सब चीजों से राहत पाने के लिए आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी किसी हड्डी में फ्रैक्चर, एक्सरसाइज या फिर खेल के दौरान आए खिंचाव के ट्रीटमेंट के लिए भी आप फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं। ये थेरेपी जोड़ों और हड्डियों के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखती है। शारीरिक समस्याओं को नियंत्रित करने और उन्हें रोकने में फिजियोथेरेपी उपयोग के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। शारीरिक समस्याओं को नियंत्रित करने और उन्हें रोकने में फिजियोथेरेपी उपयोग के कई लाभ हैं। जैसे इससे दर्द बिल्कुल कम या फिर समाप्त हो जाता है, मांसपेशियों में लचीलापन आता है और शक्ति पुनः स्थापित हो जाती है, जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है और उनकी गति सामान्य हो जाती है, शरीर की ऊर्जा और सहनशीलता भी बढ़ती है। मानसिक शांति बढ़ाने और दर्द से राहत देने में भी ये थेरेपी कारगर साबित होती है। वहीं फिजियोथेरेपी के कई प्रकार भी होते हैं, जैसे हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी, वुमेन हेल्थ थेरेपी और ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। ये सारी थेरेपी हैं जो अलग अलग तरह के दर्द में उपयोग की जाती है। तो अगर आपके शरीर में भी कहीं लंबे समय से दर्द है तो आप डॉक्टर की सलाह पर इस थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। तो अभी के लिए केवल इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज 44।